यदि आप लोग अपने मोबीक्विक पे लेटर को बंद करना चाहते हैं किसी भी कारण से, चाहे आपका सिविल डाउन हो रहा है, चाहे आपको लिमिट कम मिला है, चाहे किसी तरह को भी परेशानी होती है, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे और साथ ही लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि आप किस तरह से कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पे मोबीक्विक पे लेटर आसानी से बंद हो जाए। तो फ्रेंड, इसके लिए हमको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जाना है। वहां पे जाने के बाद पूरा डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करेंगे और वहां पे आपको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा भी आप किस तरह से कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना मोबीक्विक ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर में आपको जो भी पे लेटर मिला होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 1000 का पे लेटर मिला है। उसके बाद आपको राइट साइड में आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हेल्प पे आ जाना है। हेल्प पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो उस पर आपको जिप पे क्लिक करना है। जिप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिल जाता है मोबीक्विक का, तो इस पे आपको यहाँ पे जो है मैसेज करना पड़ेगा कि आप अगर अपना पे लेटर को बंद करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे जो है प्रोफेशनली आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना पड़ेगा कि मुझे अपना पे लेटर को बंद करना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है सिंपल में कि मुझे अपने पे लेटर को बंद करना है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो इस तरह से आपको भी टाइप कर लेना है, आई वॉन्ट टू क्लोज माई जिप सर्विस। तो इस तरह से आपको लिखना है, उसके बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर मिल जाता है, टिकट नंबर, तो 24 घंटे में इस पर काम किया जाएगा यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 24 घंटे वेट कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स मुझे आएगा तो वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाऊंगा। 24 घंटे वेट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपसे यहाँ पे फाइनल डिसीजन पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको फिर से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे समझाया जाता है कि आप लोग को यहाँ पे इस तरह का सर्विस मिलता है, तो आपको फिर से यहाँ पे जो है सेम मैसेज टाइप करना है कि नहीं मुझे अपने पे लेटर को बंद करना है। तो आपको फिर से यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जैसा ठीक लगे वो आप मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने पे लेटर के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप सेम चीज़ भी लिख सकते हैं जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ। तो मैं आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से लेके इस चीज़ टाइप कर दीजिएगा। तो आप जैसे टाइप करेंगे तो उसके बाद फिर से आपको इसको भेजना पड़ेगा, तो भेजने के बाद आपको फिर से एक रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो आप लोगों को मैं टाइप करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को इसको सेंड कर देना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से वेट कर लेना है 24 घंटे के लिए। इस बार आपका 100% आपका मोबीक्विक पे लेटर बंद कर दिया जाएगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे कोई रिस्पांस आता है तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। 5 दिन वेट करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे करेंटली मेरा यहाँ पे जो मोबीक्विक का पे लेटर वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से हेल्प वाले सेक्शन पे आ जाना है। हेल्प वाले सेक्शन पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन मिलता है पास्ट इशू, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो है मैंने 8 तारीख के डेट में आपको दिखाया था मेल वगैरह करके, उसके बाद मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली ये रिसॉल्व हो चुका है। तो मैं आपको कंप्लीट पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मोबीक्विक पे लेटर कम्प्लीटली बंद हो चुका है। आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको फिर से अपने अकाउंट पे लेके चलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि सच में मेरा यहाँ पे जो है मोबीक्विक पे लेटर बंद हो चुका है। तो इस पे आपको बैलेंस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको एक मेल करना है, मेल करने के बाद आपका ये सारा कुछ हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं मोबीक्विक की तरफ से एक यहाँ पे सपोर्ट टिकट अलर्ट मुझे यहाँ पे मिला था। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे क्वेरी था आई वांट क्लोज माय जिप सर्विस। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है मोबीक्विक टीम की तरफ से एक रेफरेंस भी जनरेट हुआ है, उसकी रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो है पे लेटर पूरी तरह से सक्सेसफुली ढंग से डिसेबल कर दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपने पे लेटर को बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपने यहाँ पे देखा आप कितना आसानी से आप 5 से 6 दिन के अंदर आसानी से अपने मोबीक्विक पे लेटर को आसानी से बंद कर सकते हैं। सिर्फ एक यही प्रोसेस है जिसके मदद से आप लोग अपने मोबीक्विक पे लेटर को बंद कर सकते हैं, और साथ ही आपका सिविल में जो भी डेटा रिपोर्ट हुआ है वो भी आपका 50 दिन के अंदर रिमूव हो जाएगा।
और साथ ही दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए लोन से रिलेटेड जो भी वीडियो होता है हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।